आपको मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भदोही की बात। भदोही की बात में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पूर्वांचल क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सखा त्रिपाठी से। राम सखा त्रिपाठी पूर्वांचल राज्य आंदोलन में शरीक हैं, पूर्वांचल राज्य बनाने के लिए पिछले एक दशक से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम आपसे बात कराएं, इसके पहले बता दें आपको पूर्वांचल क्रांति दल के तत्वाधान में इन्होंने क्रांति रथ निकाला है। तो चलिए हम आपसे बात कराते हैं, राम सखा त्रिपाठी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल क्रांति दल के रथ का कारवा अभी तक कहां बढ़ा है। त्रिपाठी जी ये बताएं कि पूर्वांचल क्रांति दल के तरफ से जो ये रथ यात्रा निकाली गई, इसका क्या उद्देश्य है? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो पूर्वांचल क्रांति दल की तरफ से जो दलों का भंडाफोड़ रथ लाया गया है, यह जनपद के सिरदार नाम से शुरू है, मंजूसी ज्यादा कोई रौना तक, कटरा कोई रौना तक कल था, आज जो है सुभाष नगर और वो ही तक जाएगा। इसका उद्देश्य न तो जातिगत उन्माद भड़काना है, न तो अगड़े से पिछड़े को लड़ाना है। इसका मूल उद्देश्य है पूर्वांचल की जनता को जागृत करके पूर्वांचल प्रदेश बनाने के लिए प्रेरित करना और दलों के कथनी कर्मी को उजागर करना है। क्योंकि दलें जब चुनाव में आती हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, हम टाटा बाटा डालमिया या दुनिया के बेटे नहीं हैं। लेकिन चुनाव जीत कर जाने के बाद सारी सभी लोग किसानों के सिर को भूल जाते हैं। इसी के उद्देश्य से हम याद रखे हैं कि जनपद में आज मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। 1967 में माननीय अटल जी ने कहा था कि जब उत्तर प्रदेश के चंद और धाम गुप्त हो गए तब मुझे टिकट दिखाना पड़ा। तो ठीक इसी प्रकार से आज पूर्वांचल में जब कोई मैं नेता रहा और मैं उद्योग रहा, केवल अपहरण अभियोगी का उद्योग चल रहा है और जितने विधायक सांसद लोग हैं सब ठेकेदारी करते हैं, कोई नेता नहीं है। हमारे पूर्वांचल में नेता थे कल्पनाथ राय, कमलापत त्रिपाठी, लाल बहादुर शास्त्री जी और पंडित श्यामधर मिश्रा और वंश नारायण सिंह नेता थे जो कि फैक्ट्रियाँ लगवाते थे। लेकिन आज के जितने भी विधायक और सांसद मंत्री हैं सब अपने जो मुख्य और कमीशन तक पहुँच सकता है। तो त्रिपाठी जी ये बताएं कि आपकी रथ यात्रा कब से निकली है और इसका समापन कब होगा? ये दलों का भंडाफोड़ यात्रा चार चरणों में पूरा होगी। प्रथम चरण में हमने 18 फरवरी से जनपद के सिमरारनाथ धाम से शुरू किए हैं और यह 24 को गोपीगंज में समापन होगा। इसका 24 दो को इसके बाद एक हफ्ते रेस्ट होगा और फिर इसके बाद हम मिर्ज़ापुर और इसके बाद 3 दिन फिर रेस्ट लेंगे। 4 दिन मिर्ज़ापुर रहने के बाद फिर 3 दिन बनारस, 3 दिन चंदौली भी जाएगा। यह पूरा 18 दिन का कार्यक्रम। तो ये थे हमारे साथ पूर्वांचल क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सखा त्रिपाठी। अब हम आपको दूसरे चरण की रथ यात्रा के बारे में, अगले चरण की रथ यात्रा निकलने पे देंगे जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।